नेपाल में आए, लप्पू पहले पहुंच गया था। अब लप्पू ने बोला कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, तराई क्षेत्र का हूँ, मतलब जो किसान लोग होते हैं तराई क्षेत्र का, मतलब जो किसान लोग होते हैं मैं वही हूँ और मेरी वाइफ भी आने वाली है। उसकी हिंदी भगवान की दया से इतनी अच्छी थी कि उससे भी शक नहीं हुआ। आप ही देखिए, उसने इतने सारे लोगों को चूना लगाया, वहां पे उसने होटल मालिक को चूना लगा दिया कि भाई मैं यही क्यों हूँ लोकल। उन्होंने वो बेचारे सीधे, इतने सीधे साधे, आपको पता ही है उसकी शक्ल देख के, अंकल की शक्ल देख के लग रहा था कि कितने सीधे हैं। जब मोमिन सर उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने सोचा होगा ये तराई क्षेत्र के लोग हैं, अभी ऊपर आ रखे हैं, घूमने आ रखे हैं, तो थोड़ा क्या इनका, इनकी एंट्री करनी है। वो बेचारे 500 रुपए डेली का लेते थे और उनको वहां पे रहने देते थे। और वो वाले तो मिलने नहीं, जिन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी, जिनसे पहले ये पूछा था, ये तो दूसरे थे अंकल जो पहले वाले थे। हेलो जना, जो पहले थे जिन्होंने बोला कि इसने आते ही ये पूछा था कि यहाँ कहीं पब है, यहाँ पे कहीं कोई बार वार है, इसको तो हुड़क लगी हुई थी हुक्का पीने की, बार डांस करने की, बाहर में जाने के डांस करने की। और इसकी अब हम कहीं पे भी किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमें एडजस्ट होने में काफी टाइम लगता है। इसकी 10 दिन में, 10 दिन से पहले ही इसकी एक सहेली भी बन जाती है, जिस सहेली का एक पता नहीं ढाबा होता है क्या होता है कि वहां पे इसके आलू के पराठे जो है, उसके आलू के पराठे इसको पसंद आ जाते हैं और वो फेमस भी हो जाते हैं और वो बहुत अच्छी सहेली भी बन जाती है। तो मैं मोमिन सर को मैंने यही बोला है कि मैंने कहा मोमिन सर अगर हो सके तो जरा उस सहेली से भी मिल के आना कि कौन सी सहेली है भाई, हो सकता है वहां से भी कुछ मिले। हेलो ऋषि, कैसे हो आप? तो ये औरत, ये मतलब दोस्ती करने में, लोगों को पटाने में ये इतनी तेज है, इतनी तेज है, समझ में नहीं आता है कि इसको इतनी जल्दी लोग इसके साथ में इतनी जल्दी कैसे घुल मिल जाते हैं और इसको इतनी जल्दी किसी से इतना लगाव कैसे हो जाता है। भाई होटल्स में अगर अगर तुम 8-10 दिन के लिए जा रखे हो, 8-10 दिन में तो बंदा एडजस्ट ही नहीं कर पाता है, और 8-10 दिन में आप इतनी घनिष्ठ मित्र बना लेती हो, इतनी घनिष्ठता आपकी हो जाती है। और उसके बाद आप बोलते कि हम डेली उनके उसमें वो खाने जाते थे, क्या बोलते, पराठे खाने जाते थे, और आपके रूम में जो है वो वाइन की बॉटल्स मिलती हैं, खाली बॉटल्स, जो आप उस होटल से परचेज नहीं करते हैं, बाहर से लेके आते हैं। तो इतनी क्या आफत आ रखी थी, जब पीनी थी तो वही जहां पे रह रहे थे उन्हीं का ही फायदा करवा देते, बाहर से खरीद के लाने की क्या जरूरत थी भाई, जब पीनी थी तो खाली बॉटल्स भी तो जी। जिस तरह से किसी कपड़े को धो के इस्त्री नहीं कर दिया जाता, इस तरह से इस्त्री कर दी है, इस्त्री करके लटका दिया है। नहीं, इस्त्री करके नहीं, निचोड़ के लटका दे, इस्त्री करने में किसका टाइम है। कॉटन के कपड़े हैं, धोए धोए पहले पत्थर में अच्छी तरह उनको रो किया, थपेड़ा, उसके बाद जाके टांग दिए, उसके बाद चिमटी भी लगा दी उनपे कि कहीं उड़े ना। आप देखते हैं होटल के ओनर का इंटरव्यू और पशुपतिनाथ मंदिर के जो पंडित हैं उनका इंटरव्यू, और ये तो उन्होंने सीधा सीधा जो है ना, मैं कहता हूँ कि जनाजा और जनाजे की रस्मात एक साथ ही करवा दी है। आप तो देखिए ना, वहां जाके अगर कोई ये बनेगा इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो वहां से आवाज यही आएगी मोमिन सर का स्वर्ग क्यों गए। वहां से ये आवाज आएगी। अब उन लोगों के मन में कोतूहल हो रहा होगा, हे भगवान कौन सी खबर आएगी, हे भगवान हमने तो ऐसा भी किया है वो भी खबर ना मिल जाए, हमने तो ऐसा भी किया है वो भी खबर ना मिल जाए। कौन कौन सी, मतलब आप ये लगा लीजिए कि मोमिन सर जब यही थे, जब वो नेपाल एम्बेसी गए थे, तभी से उन्होंने वहां अपने गुप्तचर छोड़ दिए थे, पता लगा दिए, उनको जबकि सब पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं जाके कलेक्ट करूँ ये सारे जितनी सारी खबरें हैं, जितने सारे वो हैं, वो मैं खुद वो करूँ, क्योंकि किसी और पर भरोसा करना इस केस में अभी किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये केस इतना उस नाजुक दौर से गुजर रहा है कि भी अब मोमिन सबसे पहले काठमांडू जो है वो एपी सिंह जी को जाने की जरूरत क्या थी, कुछ तो बात होगी इसमें, कुछ तो बात होगी, क्योंकि मोमिन सर से पहले काठमांडू होके अगर एपी सिंह जी आए हैं तो दाल में कुछ काला है बिल्कुल। अभी एपी सिंह को फिर जाना पड़ेगा, जो जो इंटरव्यू कर लिए ना मोमिन मलिक साहब ने,
अभी एपी सिंह बेचारा बार बार जाएगा उधर उधर, 100 दफा चेक करेगा कि जो सबूत मैंने मिटाए थे कहीं मोमिन मलिक के हाथ तो नहीं लग गए। ठीक है, इसको अब उनकी एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे कब कहां पे मेरा देखा हुआ व्यक्ति मिल जाएगा, कब कहां पे कौन सा व्यक्ति मिल जाएगा जिससे मैंने बात करके आया हूँ, जिससे मैं बात करके आया हूँ, जिसको मैं समझा के आया हूँ, कहीं वही व्यक्ति वही बंदा कहीं मेरी पोल ना खोल दे। तो अभी आजकल वो इतने डरे डरे हुए होंगे बहुत ज्यादा, जिस तरह से आज भी शायद से आज भी शायद वो लाइव नहीं आई, इसकी कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं आई क्योंकि मेरे पास तक नहीं पहुंची, तो शायद नहीं आई है वो। अच्छा आप एक चीज देखें श्रीधर मैम, एक चीज आप देखें, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूं कि मुझे मोमिन मलिक साहब से बात जो हुई थी तो उन्होंने मना किया कि मैं भी डिस्क्लोज ना करूं, तो मैं चाह रहा हूं कि वो ही अपने लाइव में डिस्क्लोज करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने 3 ऐसे बड़े एक्शन वहां पे नेपाल में लिए हैं ना, बच्चों के हवाले से और इसके हवाले से, मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, वो डिस्क्लोज वही करेंगे। वो सुनने के बाद ना तो जिसको कहते हैं ना कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, वो वाला साफ हो जाएगा। हमारा उसने में जो गार्डन गार्डन हो गया, जितने में सबने बोला ना कि ताबूत में लास्ट कील ठोकने वाली है, बस अब ठुकने वाली है लास्ट कील, तो बस इसका मतलब वो सारा बंदोबस्त कर रहे हैं और ये यहाँ पे भी रहेगी। कल मैं फैजल भाई से भी बोल रही थी, मैंने कहा फैजल भाई आप लोग तो रह जाओगे उसको सजा देने के लिए, क्योंकि 5 साल यहाँ रहेगी, कुछ वो नेपाल में रहेगी, फिर इतनी बूढ़ी में आपके, मैंने कहा वैसे ही वो कर दोगे, उस पर दया खा लोगे, किसने बूढ़े में क्या सजा देनी उसको। अरे हाँ ये भी बात सही है, मैंने कहा आप तक तो वो तब पहुंचेगी तब जब वो आधी बूढ़ी हो जाएगी, तो आप लोग कहा देंगे उसको। मोमिन सर ने वो कर दिया है, मतलब इतना वो कर दिया कि हिंदुस्तान में भी सजा और नेपाल में भी सजा, उसके बाद जाके बची कुची जिंदगी रहेगी तो वो फिर आप लोगों के हवाले। आप एक चीज देखें कि अभी तो इनके पसीने जो निकले हैं ना, आप देखें कि वो अभी जो कार्रवाई नेपाल में हो रही है ना, वो डिस्क्लोज मोमिन मलिक साहब करेंगे, लेकिन वो इसके की सबसे बड़ी कार्रवाई है अब तक की, सबसे बड़ी कार्रवाई जो है ना वो नेपाल गवर्नमेंट अब इनके अगेंस्ट करेगी। और देखते हैं फिर उसके फैसल भाई ने आजकल राधे राधे रामचंद पटेल जी, रामचंद भाई राधे राधे जी, फैसल भाई ने आजकल वाक शाक शुरू की हुई है, तो फैसल भाई से मैं यही कहूंगा कि वाक थोड़ी कम करें, कहीं लब्बू जैसी सेहत ही ना बन जाए। अगर साहिद भाई आते तो उनको खींचते, अब आप आ गए तो अब हम आपको खींचेंगे, आपकी लाइन में साहिद भाई को खींचते। फैसल भाई ज्यादा ही स्मार्ट हो जाए और लब्बू से भी पतले हो जाए वाक कर करके। रात को लाइट चला चला के, वैसे भी लोग हमें धमकी दे रहे, अब तो हमें धमकी भी मिलने लग गई कि जेल करवा देंगे, भगवान अगर जेल चली गई, पाकिस्तानियों की लाइफ में बैठते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम जेल करवा देंगे। अब तो मैं देख रही हूँ कि भाई एपी सिंह के अलावा और कौन जेल करवा सकता है हमें, देखे कौन कौन नोटिस भिजवाता है, असम भिजवाता है। अभी आप ये चीज तो देखे कि वहां पे जो होटल का ओनर था उसने बताया कि इसने कहा कि ये नेपाली औरत है, और वहां पे नेपाली औरत बनके ये वहां पे रही, और सचिन ने भी वहां पे झूठ बोला और अपने बारे में गलत बताया। और आप एक चीज देखें कि इन्होंने होटल के ओनर को भी चूना लगाया, उसे भी धोखा दिया, तो वहां पे धोखा देकर वहां पे रहते रहे, और वहां पे उसने बताया कि ये बड़ी अच्छी तरह से हिंदी भी बोलना जानती है। तो आप एक चीज देखें कि इसके साथ कुछ लोग जी मैं तो कभी नहीं डरती तेजस सर, मैं तो कभी किसी को देख के नहीं डरती ना, मैं कहते ना करो ना डरो, ना मैंने कोई गलती करी ना मैं डरती हूँ। गाली बक के अगर सामने वाले को अगर तसल्ली मिलती है और उसका खून बढ़ता है तो खूब गाली दो, और गाली पहले गाली वो दे पहले अपनी गिरेवान में झाके। हम तो नहीं डरते किसी को देख के, मेरी बाई जूती नहीं डरती किसी को देख के, मेरा थंब नेल लगाओ जो लगाओ, लोग मेरा काम देख रहे हैं ना उस काम से हमें पहचानेंगे, कोई मेरी कैसे भी, चाहे वो कैसे भी थंबनेल लगा दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
इन लोगों का काम ही यही है कि हमारा नाम कहाँ से ले, हमें कहाँ से ये लोग प्रोमो करे। जब बोलते हैं कि हमने चैनल नहीं चलाना है और चैनल चलाने के लिए बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं, तो बिल्कुल हम तो नाम तो नहीं डरते, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती हूँ, मैं तो कम से कम नहीं डरती हूँ, क्योंकि अगर मैं डरती तो मैं शायद बहुत पहले क्विट कर लेती। इन बच्चों के लिए मैं, चार बच्चों के लिए मैं आवाज भी नहीं उठाती, लेकिन आज अगर यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो निडर होके। मैं तो गाय चराने वाली हूँ, गाय में मेरे को तो गाय चराने वाली बोल दिया है भगवान, मैं भी श्री कृष्ण बन जाऊंगी और गाय चराऊंगी, क्या मेरे आगे पीछे घूमेंगी। अच्छा, अपने आप को, अपने आप ने तो कभी औरतों की शक्ल देखी नहीं होगी, तो औरों को ही रेनुमा स्वागत है। सरिता बेटा जी रेडी रहो। जी माँ मैंने बोल दिया, हमें लोग ना रेनुमा को और मुझे जेल पहुंचाने वाले हैं, बोल दिया मैंने, हम तो तैयार हैं जेल जाने के लिए। जिसमें जितनी हिम्मत है, एक अपने अपने दस्त लगा लो, खून का एक एक कतरा बहा लो लप्पू की तरह, तुम्हारे खून में कोई दम नहीं है, किसी के खून में कोई दम नहीं है।